ब्रेक के बाद बढ़ते आगे जलदाय विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर भले ही दिखाने के लिए थोड़ी बहुत कार्रवाई कर दी गई हो, लेकिन विभाग में एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। विभाग का पूरा काम किए बगैर विष्णु पुगलिया जैसी फर्म विभाग से मोटा पैसा वसूल रही है। पुगलिया फर्म पर पीएचईडी की मेहरबानी जारी, सरकारी खजाने को लगाया करोड़ों का चूना, बगैर काम किए उठाया 200 करोड़ का भुगतान। जलदाय विभाग और भ्रष्टाचार का चोली दामन का वास्ता नजर आ रहा है। विभाग हर रोज भ्रष्टाचार के नए आयाम गढ़ने में मशगूल है। विभाग के अंदर ठेके लेने वाली पुगलिया फर्म ने इस कदर पैठ बना रखी है कि विभाग लाचार नजर आ रहा है और अफसर बेबस बने हुए हैं। इस भ्रष्टाचार का असल सच क्या है और कौन कौन से अफसर इसमें लिप्त हैं, इसका पता लगा पाना वाकई बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि जलदाय विभाग का हर अफसर मलाई काटने में व्यस्त है, और जब इन जवाबदेह अफसरों से सवाल पूछा जाता है तो इस पूरे मामले से ये साफ तौर पर कन्नी काटते नजर आते हैं। पिछले दिनों इंडिया न्यूज ने जलदाय विभाग के 125 करोड़ रुपए के घोटाले और साथ में विभाग के अफसरों और पुगलिया फर्म की सांठगांठ के काले चिट्ठे का पर्दाफाश किया था। अब उसी पुगलिया फर्म के अनियमितता का एक और दस्तावेज इंडिया न्यूज के हाथ लगा है। ध्यान से देखिए इस दस्तावेज को। ये एक आरटीआई की प्रति है जिसमें साफ तौर पर दिखाया गया है कि विष्णु पुगलिया फर्म को साल 2009 में विभाग के 7 टेंडर दिए गए और इन टेंडरों में विभाग ने तकरीबन विष्णु पुगलिया फर्म को 200 करोड़ से ज्यादा का भुगतान भी कर दिया। इस पूरे भ्रष्टाचार का सच क्या है और कौन कौन से अफसर इस काले खेल में लिप्त हैं, इसका पता लगा पाना वाकई बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस पूरे खेल में जलदाय विभाग के ऊपर से नीचे तक अफसर लिप्त हैं और मलाई काटने में व्यस्त है, और इन जवाबदेह अफसरों से जब सवाल पूछा जाता है तो इस सवाल से वो कन्नी काटने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। लेकिन पुगलिया फर्म ने 8 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी विभाग के इन कार्यों को पूरा नहीं किया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि विभाग किस आधार पर इस फर्म को भुगतान कर रहा है? विभाग के अधिकारी आखिर क्यों आम जनता की गाढ़ी कमाई को पाने की तरह लुटा रहे हैं? रूपेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, जयपुर।